सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और बेहतरीन किस्म का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए काफ़ी दिनों के बाद हम अपने ही डेयरी फार्म से काफ़ी शानदार फर्स्ट टाइमर जोटी की वीडियो लेके आ रहे हैं। हम इसकी संपूर्णतः डिटेल्स आप लोगों को देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले एड्रेस है वो बताना चाहूँगा। गांव पटासनी, जिला लगता है झज्जर और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जो झज्जर से जो रिवाड़ी रोड है NH 73, इस पर हमारा गांव पड़ता है पटासनी। और काफ़ी दिनों से काफ़ी पशुपालक भाई हैं डिमांड कर रहे थे फर्स्ट टाइमर जोटी की, तो आज की वीडियो में जो आप जो फर्स्ट टाइमर जोटी देख पा रहे हैं और साथ में एक मुर्रा हीफर, इन दोनों की हम आप लोगों को डिटेल्स है वो देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइमर जोटी, और आज प्रजेंट में 22 से 23 दिन की जो कि ब्याई हुई है। फिलहाल प्रजेंट में 13 से 14 किलो दूध है, लेकिन आप 13 किलो पक्का माने और 13 किलो दूध में फिलहाल 1 किलो के समथिंग मक्खन इसमें तैयार है। काफ़ी पशुपालक भाई जो स्पेशली अपने घर के लिए जो पशु हैं वो तलाशते हैं, वो फर्स्ट या फिर सेकंड टाइमर जोटी तलाशते हैं और दूध के साथ साथ जो कि वो घी की भी क्वालिटी है वो देखते हैं। तो कोई भी पशुपालक भाई 2 टाइम 3 टाइम चुवाई करके और अपना मक्खन देख के कोई भी पशुपालक भाई किसी भी टाइम आके देख सकता है। और प्रजेंट में जो कि 13 किलो दूध पक्का माने और साथ में मेल काफ है PC 575 का HLDB का, और नीचे से कोई भी पशुपालक भाई इतनी दूर आता भी है तो सबसे पहले यही सवाल करता है कि भाई साहब हम इतनी दूर से आए, नीचे की अच्छी है ना, तो नीचे की अच्छी होगी तो आपका भी टाइम पास नहीं होगा और हमारा भी। तो नीचे की आपकी घर तक की फुल गारंटी होगी, छर्रा पपैया या फिर टाइट दार मिले तो कहना। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई है, लेडीज निकाले या फिर कोई बच्चा निकाले कोई भी जो कि इसकी चुवाई है वो कर सकता है। और बात करें इसकी अडर क्वालिटी, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं फर्स्ट टाइमर चोटी में इतना लंबा चौड़ा अडर हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आप ये स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हैं। और बात करें इसकी जो कद काठी है वो भी काफ़ी अच्छी खासा, और बात करें इसकी जो हाइट है नॉर्मल भैंसों में जितनी हाइट होती है वो इसमें हाइट है। और बात करें टैल लगभग 3 इंच के समथिंग जो कि इसकी टैल है, वाइट है, बाकी के बाल हैं। और जो बात करें इसकी सींगों की बनावट की, शायद किसी किसी मुर्रा पशुधन में इतना छोटा सींग हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल मुठियाकार के थन और जो अडर में जोश जो दूध के टाइम पर भर के आती है ये देख सकते हो। पर जेंट में 13 किलो दूध में 1 किलो के समथिंग जो कि मक्खन है तैयार है, कोई भी पशुपालक किसी भी टाइम आके देख सकता है। और किसी भी प्रकार की डिटेल्स हमसे पूछना चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पर भी हमारा नंबर है वो चल रहा है, ये देख सकते हो। हाइट नॉर्मल है और लेंथ काफ़ी अच्छी है, साथ में मेल काफ है। और बात करें इसकी जो अडर क्वालिटी और जो नसें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अडर में, जो साफ साफ जो दुधारू पशुधन को प्रमाणित करती है, बिल्कुल मुठियाकार के थन, बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई है, ये देख सकते हो। जो थनों में जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिला। और साथ में जो आप जो स्क्रीन पर जो मुर्रा हीफर यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 मंथ की है हीफर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे उत्तम बुल की जो कि इसकी मदर थी, लगभग 14 किलो दूध के ऊपर इसकी मदर की जो कि हमारे ही डेयरी फार्म पर मृत्यु हो गई थी। और मैं बताना चाहूँगा अगर अच्छी तरह से वो अगर भगवान को प्यारी नहीं होती तो हम उससे लगभग 16 से 17 किलो दूध की फर्स्ट टाइमर जोटी में उम्मीद है वो कर रहे थे। तो 9 मंथ की आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बात करें इसकी जो 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 आने वाले टाइम में जो अडर को विकसित करेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, थनों में जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा, अभी से फ़िलहाल इसमें जो गद्दी कह देते हैं वो फ़िलहाल इसमें है, तो ये देख सकते हो स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी खासी, ये भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। कोई भी पशुपालक भाई किसी भी टाइम आके देख सकता है, हर टाइम अपने डेयरी फार्म
पर 1 से 2 भैंसें बिक्री के लिए उपलब्ध रहती है। आशा करें कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी